उस बात बहुत खुशी का दिन है। ऐसा लग रहा है कि आधा बदला ले लिया है। आधा बदला इसलिए कहूँगा कि अभी इंडिया को, मोदी सरकार को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को और भी बड़े बड़े स्टेप्स लेने चाहिए कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी गलती ना कर पाए। उसके राह में ये पहला कदम है। तो अब तक सबको पता चल चुका होगा, सुबह की बात है, अब तक हर जगह आ गया है और कि 300 के आसपास आतंकवादियों को POK में मार गिराया गया है। ये एक एयर अटैक था और 1000 किलो के आसपास का एक्सप्लोजिव गिरा के इनको मारा गया है। तो अभी मैंने सोचा कि जनता से भी पूछना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो लोकल सिटीजन्स हैं, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जनता क्या सोच रही है इस स्टेप के बारे में, युवा क्या सोच रहे हैं, तो उसका व्यू भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहना, बहुत लोगों के तरह तरह के व्यूज़ पता चलेंगे। इस वीडियो में आपको ये चीज़ मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत लोगों से पूछा तो बहुत लोगों को तो ये तक भी नहीं पता था कि आज कोई अटैक भी हुआ है। शाम होने वाली है, सुबह अटैक हो चुका था, हर जगह फैल गया है, लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि कौन सा अटैक, क्या अटैक, किसको मार दिया, कुछ नहीं पता था। तो शुरू करते हैं। जिससे देश बदल रहा है। और ये जो आज एयर स्ट्राइक हुई है, ये एयर स्ट्राइक ही नहीं, तीनों थल सेनाओं, चाहे वायु सेना हो चाहे नेवी हो, सबको ऐसे ही हमले करते रहने चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान अब आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमारी देश की अखंडता को नुकसान पहुंचे। चलिए, आपको कुछ कहना भी है। देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इतना अच्छा कदम उठाया है, जिस तरीके से बार बार उन पर विपक्ष कह रहा था कि मोदी को कुछ करना चाहिए, या देश की जनता भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी मोदी को कुछ करना चाहिए, लेकिन जहां हमारे 40 मरे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 300 को मारने का काम किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य मोदी सरकार ने किया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ मोदी जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरे देश की संस्कृति है, मेरे देश की जो लोग हैं, वो बड़े शांत तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से बात करने का काम करते हैं। जिस तरीके से पूर्व में भी एक मेरे भाई ने बताया कि जो भारत देश है वो पहले अटैक नहीं करता है, लेकिन अब वो समय आ गया है अब बदलने का। जिस तरीके से बदलाव का समय आ गया है, अब तो अटैक होना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर मोदी सरकार को तो परमाणु बम जो है पाकिस्तान में डाल देना चाहिए। हमारे हमारा ही हिस्सा, हमने 64 करोड़ रुपए देके उसको बसाने का काम किया और आज वही हम पे अटैक करने का काम कर रहा है। इस तरह का मामला नहीं तो देश की जनता को बर्दाश्त है और नहीं देश की जनता बर्दाश्त करने वाली है। और मैं तो कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को, या तो एक्शन और जबरदस्त ले, या नहीं ले पाते हैं तो एक बार बस 10 मिनट आप दे दें तो मेरे देश में इतना युवा है कि पाकिस्तान को निश्चित नाबूद कर देगा, नक्शे से हटाने का काम कर देगा। और रही कश्मीर की बात, जिस तरीके से इस कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रही मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती, वो कह रही है कि कश्मीर से अगर 370 हटाने की बात कही उन्होंने और 37A हटाने की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूँ महबूबा, तुम्हें अगर यहाँ इंडिया में रहना है, जम्मू कश्मीर में रहना है, तो भारत की संस्कृति और सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। अगर भारत की संस्कृति और सिद्धांतों पे आप नहीं चलना चाहती है, या तो हम भगाएं यहाँ से, इंडिया से आपको, और नहीं आप भाग सकती नहीं है तो आराम से आप चली जाइए पाकिस्तान। गवर्नर ने भी कहा कि आप चली जाइए, बिल्कुल बगल में चली जाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं MIT यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं आपका किराए का पैसा दे दूंगा, आप चली जाइए, नहीं जा सकती है। तो मेरे देश की संस्कृति को अगर आप ठेस पहुंचाएंगी, या तो आपको मौत के घाट उतार देगा मेरे देश का हर एक युवा, एक मेरा साथी, वरना। और पाकिस्तान को संदेश, पाकिस्तान को तो संदेश देना चाहूंगा, सबसे पहले तो अपने देश में एक व्यक्ति और है जो सरदारों का नेता बनता है, अपने आप को बहुत चढ़ा चढ़ा के बात करता है और ठोको ताली के तरीके से अपना अभिभाषण प्रस्तुत करता है, उसके लिए तो मेरा सबसे पहले एक मैसेज है, भैया तुम चले जाओ पाकिस्तान, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुम्हारी यहाँ जरूरत है ही नहीं, भले ही तुम पैरों में भी पड़ लो, तुम्हारी जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम एक देश विरोधी हो। उनको तो मौका भी मिला इलेक्शन लड़ने, हाँ वो चले जाओ तुम। दूसरा, पाकिस्तान सुन लो, अब की बार आपने 40 मारे ना हमारे, हमने आपको 300 दिए, 300 मार दिए ना आपके, अब की बार आप एक मारना। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने ज़बरदस्त प्रधानमंत्री है कि अब की बार नक्शे से निश्चित नाबूद कर देंगे। और पाकिस्तान, तू जवान खोल के सुन ले, दिमाग तेरा ठीक नहीं है, हमारी औलाद, तू हमारा बच्चा और अपने बाप की तरफ घुराने का काम कर रहा है। अरे बच्चे को तो शर्म आनी चाहिए कि बाप की तरह, बाप से किस तरह से बात करी की जाती है। ये इस तरीके से नहीं भेजा था हमने जिन्ना को और तुम्हें कि 64 करोड़ दे दिया और तुम्हें बसाने का काम कर, तुम इस तरह का काम कर रहे हो।
ये गलत है पाकिस्तान, तुम हमारे बच्चे हो और बच्चे ही रहोगे। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान को सुधर जाओ, नहीं सुधर पाते हो तो अभी तो टमाटर बंद किया है, पानी बंद किया है, आने वाले टाइम में तुझे नक्शे से ख़त्म कर देंगे। आइए हम जरा यहाँ की आम जनता से पूछते हैं कि जो अटैक हुआ है आज 3:30 बजे की सुबह आसपास, तो यहाँ पे बाकी लोगों को कैसा लग रहा है अटैक से, इंडिया वाले क्या फील कर रहे हैं? चाचा कह रहे हैं आज आपको पता चला ना कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया है? पता नहीं, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं पता है, ना वहां पर टीवी है ना। अच्छा तो मैं बता रहा हूँ आपको, अटैक हो गया है, 300 के ऊपर के आतंकवादियों को मार दिया है। तो बहुत बढ़िया, बहुत। तो आप कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से? नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा है, जैसा को जैसा मिला। हाँ सही बात है। तो प्रधानमंत्री से कुछ कहेंगे? उनका भगवान है, वो बदला लें। हाँ और हम लोग उससे खुश हैं। अच्छा और पाकिस्तान के बारे में कुछ कहेंगे, उसको कुछ कहेंगे कैसा नहीं, लगा? पाकिस्तान के बारे में उसने जैसा गलती किया वैसा सजा उसको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए था ना? बिल्कुल सही हुआ ना जो हुआ है। बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, आगे कुछ ऐसा करेगा तो और भी मिलेगा ना? बिल्कुल, इससे खुश हम लोग, इंडिया मोदी के साथ। अब पता चल रहा है सुबह 3:30 बजे मारा है। बहुत बहुत बढ़िया हुआ। और मारे जाए, ठीक है और मारे जाए ना। तो जैसे कुछ प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो हम संदेश क्या दें, और अटैक करें और भाई हमला करें। हाँ पाकिस्तान को बिल्कुल सफाया करें। अच्छा और किस तरह से क्या क्या करें अटैक? अच्छा किया ना, अच्छा किया। आइए आपसे पूछते हैं, आप बताइए कुछ। अरे आप ही बताइए ना, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो काम किया वो बहुत ही देश के लिए सराहनीय काम कर रखे हैं। और किन किन तरीकों से पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है? बहुत तरीके हैं, अब वो तो जो है उनकी जो भी रणनीति हो उसके अनुसार वो लड़ाई करें, उसको देखें कैसे है पाकिस्तान को। तो इसको जो है जिस तरीके से कर रही है वो सब बहुत गलत है। यहाँ से जो भी इस समय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया बहुत सराहनीय है। तो आप सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, वो नहीं पूरा भारत, क्या कहेंगे, वो तो सब कुछ बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसानों के लिए भी अच्छा किए हैं। पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है, पाकिस्तान को कुछ कहना है आपको? पाकिस्तान तो जो है अब क्या कहना है, वो तो जो है बार बार गलती कर रहा है, उसको कोई कहने की कोई बातें नहीं। देखे पाकिस्तान में वीडियो तो सुनेगा ना भारत वाले क्या कहना चाहते हैं उनको? पाकिस्तान मुर्दाबाद, बस सीधी बात, उसको यही सब सबक सबसे अच्छा है। हाँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए पाकिस्तान की, कहीं नष्ट नाबूद कर दो, कहीं कुछ रहे ना साला आतंकी जड़। चलिए ठीक है।